ओके, तो मैं बात कर रहा था स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्विकली कराते हैं। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए मैंने बताया था पहले इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बस कुछ होता है तो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, पाई लिया था। पाई कैसे लिया था? कुछ टपल टाइप पे लिया था, पाई आई ऐसे लिया था। ओके, तो हमारे पास ए आई था। आई कहाँ से था? एस। एस क्या था आपका? स्टेट स्पेस था। ओके, तो जो ए पाई आई है ना, ठीक है, हमारे पास इस टाइप का कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जो पाई आई है एक प्रोबेबिलिटी देता है। वो प्रोबेबिलिटी क्या देता है? पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू आई, ठीक है, ये देता है। और इसी को कहते हैं हम लोग इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ही कॉल्ड इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस, वेयर दिस इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा यहाँ पे ये चीज था। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चीज क्या है, ठीक है, तो मैं लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ, आपको सोचने पे इसमें जोर भी नहीं देना। एक्चुअली ये क्या है ना कि हमारा जो इनिशियल स्टार्ट हो रहा है वो आई स्टेट पे स्टार्ट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। इसको रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द चेन, जो हम लोग को बना रहे थे ना उसी को चेन, फिलहाल आप समझिए, द चेन स्टार्ट्स एट आईएथ स्टेट, ठीक है, स्टेट इनिशियली। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? ओके, द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, जो भी दिया रहेगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम स्टार्टिंग स्टार्टिंग एट आईएथ स्टेट इज गिवेन बाय पाई आई। अब समझ में आया, इस पाई आई का रोल और इस पी आई, इन्हीं सबको हम कलेक्ट करके क्या बना रहे थे? पाई। और वो पाई हमारा क्या था? इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि मुझे पता है इसमें से एक भी चीज आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो डेफिनेटली पल्ले पड़ेगा। तो हमारा पाई क्या था, जो जो याद करना होगा वो मैं क्लियरली आपको बताते जाऊंगा, याद क्या करना है वैसे ही हो जाएगा। पाई वन, पाई टू, पाई थ्री, अब जितना भी आपको दिया रहेगा पाई एन। एंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? जब हमारे पास ए इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का था, तो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन था, जो हमें पी दिया हुआ है, बस फाई पी ले लीजिए, ठीक है, ए आपका था। और पी यहाँ पे क्या था? ये कैपिटल पी, मान लीजिए कैपिटल पी दिया हुआ ना, ये आपका है मैट्रिक्स था। और फाई मैंने बता ही दिया। ओके, मैंने इसलिए डिटेल से बताया क्योंकि इसका बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। ओके, एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर क्या था, एनथ पावर था ना, तो एन पावर वाला तो हमने किया ही नहीं है, ये तो पंगा कर देगा ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास एक रिजल्ट है, अब वो रिजल्ट हम देखते हैं। एन टेंस टू इंफिनिटी पी टू एन एन, ओके, कहाँ जा रहे हैं? टू से थ्री जा रहे हैं ना, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है, आई से हमने पढ़ा था, हम आई से जे जा रहे हैं, ओके, कितना स्टेप में? एन स्टेप में, और लिमिट एन टेंस टू क्या है? इन्फिनिटी है। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर रिजल्ट है, एक क्या होता है डायरेक्टली पाई ये हो जाता है। ओके, तो अब ये आपके लिए काम और आसान हो गया। आपको अगर ये चीज कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली पाई जे कैलकुलेट कर दीजिए। ओके, जब हम पाई जे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखते थे, हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी टू थ्री एन, मतलब एन स्टेप में टू से थ्री जाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एन टेंस टू इंफिनिटी पे। और इस रिजल्ट को देखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब इससे करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास कुछ रिजल्ट था, क्या था? अगर ये पाई आपको दिख गया तो पाई के लिए दो रिजल्ट था, एक तो सारे पी आई का सम क्या हो रहा था, एंड फाई
फाइव इक्वल टू हो रहा था 5p, तो दो इक्वेशन मिल गया, तो इसे हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब लगाते हैं दिमाग अपने क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन 51 आ गया। अब यहाँ से डाटा कलेक्ट करिए, आपके पास जो भी दिए गिवे, ओके। यहाँ पे कंसीडर द मार्को चेन, एक मार्को चेन दिया विद स्टेट स्पेस, मतलब मैंने स्टेट स्पेस को कैसे याद रखने के लिए बोला था, एक सेट की तरह सोचो, 1 2 3 4। अच्छा देखिए, इसमें कहीं कहीं 1 से दिया रहता है, कहीं कहीं 0 से दिया रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ना, बनाना तो हमें एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स हमारे पास बना बनाया, ठीक है, तो हम इस पे भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ओके। इतना ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, मैंने पहले बताया था, ओके। देन इतना, अब मतलब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो तो मेरे अकॉर्डिंग क्या आपको निकालना होगा, सिर्फ पाइथरी कैलकुलेट करना होगा, ओके। तो पाइथरी कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा सो आएगा। अब वो कैसे करेंगे, तो आपको दोनों रिजल्ट यूज करना होगा, क्या कि सारे पी आई यहाँ पे देखिए कितने टोटल 5 है ना, तो 0 से हम लोग स्टार्ट करें तो पाई 0 प्लस पाई 1 पाई 4 तक ये हो जाएगा 1, एंड सेकेंड वन हमें यूज करना है पाई इक्वल टू पाई पी। तो इससे तो कुछ बात बनेगा नहीं, तो प्रोडक्ट लेते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 और पाई 4, ए इक्वल टू हो जाएगा इसी का मल्टीप्लीकेशन इस मैट्रिक्स के साथ, दैट इज यहीं पर इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 इंटू दिस मैट्रिक्स, कौन सा, ए वाला पी, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, ओके। तो सोल्व करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होगा, तो पाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 0 प्लस पाई 1 बाई 3, ओके। उसी तरह पाई 1 किसके इक्वल होगा, सिंपल देखिए, मैंने बोला था ना कि आपको लीनियर अलजेब्रा की तरह सोचना है, स्टैटिक्स कुछ भी नहीं सोचना है। हम यहाँ क्या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल कर रहे हैं और इक्वेट करके सोल्व कर रहे हैं, कहाँ इसमें स्टैटिक्स लगा, ओके। तो पाई 1 क्या हो जाएगा, पाई 1 हो जाएगा इस वेक्टर का इसके साथ, तो ये पहला एंट्री 0 है, दूसरा हो जाएगा पाई 1 बाई 3, फिर 2 हो जाएगा तो प्लस पाई 2 बाई 3, और इसमें कुछ नहीं है, फिर इसमें आते हैं तो आपका पाई 2 हो जाएगा, यहां से हमारा पाई 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 0 को इसमें रखें तो पाई 2 भी 0 आ जाएगा, क्लियर, सही है ना यहां तक, इस इक्वेशन को सोल्व किया तो पाई 1 0 आ गया, इसको सोल्व किया तो पाई 2 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमें 0 1 2, अब 2 को करना है ना, तो 2 को देखते हैं क्या आता है, 2 का आएगा इसके देखना है ना, तो वही 3 है, 1 2 3, मतलब पाई 1 बाई 3 प्लस पाई 2 बाई 3 प्लस पाई 3 बाई 3, ओके। यहाँ से हमारा क्या आया था, एक तो रिजल्ट ए आया था और एक रिजल्ट एक आया था, ए आया था, ठीक है। तो यहाँ से रख देंगे पाई 1 और पाई 2 रख देंगे, तो यहाँ से पाई 3 0 आ गया क्या, और हमें जब पाई 3 निकालना था तो हम फर्दर कैलकुलेशन क्यों करें, क्या, तो डायरेक्टली अपना ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ए दिया था, जब इस टाइप का मार्को चेन अभी मैट्रिक्स दिखे ना और इस टाइप का कुछ भी कैलकुलेट करने को बोले, मैंने इन जनरल ही बता दिया था, आई जे और एम का बताया था, फाइनाइट के केस में मैंने तरीका बता दिया, और जब एम टेंस टू इनफिनाइट हो जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, इसके लिए क्या करना है, आप डायरेक्टली पाई जे कैलकुलेट कर देना और यही आपका आंसर आ जाएगा, तरीका यहाँ पे बता दिया, मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन था तो डायरेक्टली 0 हो गया, मान लो 0 नहीं होता तो एक काम ए कर देता, ठीक है, क्या एक सबका सम हमारा 1 आना चाहिए, तो जो सम जिसका 1 नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिस्ट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन था, आपका रिसेंटली पूछा हुआ 19 जून का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन 19 जून में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और टर्म कंडीशन देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब तक हमने ए देख लिया, इसको बताना जरूरी था, इसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं सब क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। 19 लेटेस्ट कौन, 19 दिसंबर हुआ ना, 19 दिसंबर का भी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा इस पे, ठीक है। एसेसिबिलिटी, ठीक है, तो जैसा नाम वैसे इसका काम भी है।
इसका मतलब है ना, देखो हमने एस क्या लिया था, स्टेट्स का कलेक्शन लिया था कुछ वन टू इस टाइप से, मैंने बोला था एन तक जा रहा था। तो आप क्या करिए, इसमें से कोई दो आई और जे ले लीजिए, ठीक है। तो हम इस आई से जे पे जा पा रहे हैं कितने नंबर भी स्टेप में, मान लो वन टू थ्री हजार स्टेप में भी जा पा रहे हैं, अगर चले गए तो बोलेंगे आई सॉरी जे जो है आई से एसेसिबल है। मतलब इसको अगर लैंग्वेज में हम लिखे तो लैंग्वेज में मैं क्या बोलूंगा, हालांकि इसका आपको काम नहीं है जानना, फिर भी एक बार कभी कभी पूछा हुआ है तो जस्ट बता दे रहा हूँ। जैसे आपको याद रखने का तरीका क्या है, एसेसिबिलिटी मतलब क्या, हम लोग इसको एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे वी से, इसका मतलब ये हुआ ना कि आई से जाने के बीच में हमारा कोई पाथ, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पाथ मतलब हम आई से जे पे चल जा रहे हैं, तो इसको इतना ही जानना है। ओके, इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना होगा तो हम पी आई जे के पावर के को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन इक्वल टू जे, कहाँ से जा रहे हैं एक्स जीरो से आई में। तो अच्छा यहाँ पे क्या होगा ना, के स्टेप में जा रहे हैं ना, तो हमारे यही रिप्रेजेंट कर रहा था ना, अगर इस टाइप का था तो ये था कि हम जीरो से के स्टेप में जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, आई से जे जा रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजी याद दो। ओके, बोर मत होइए, मैं अगला क्वेश्चन जरूर ऐसा लेके आ रहा हूँ जो डायरेक्टली आप सोल्व करेंगे। अच्छा, एसेसिबल का समझ में आ गया ना कि इस आई से जे पे अगर हम जा पा रहे हैं तो बोलेंगे आई से जे पे, या जे से आई पे जा पा रहे हैं तो बोलेंगे कि इसके लिए एसेसिबल है, इसके लिए एसेसिबल है। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आपका आता ही रहता है, कम्युनिकेटिंग स्टेट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेटिंग स्टेट, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग अगर हम नाम से भी गेस करें तो ऐसे लग रहा है कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कुछ, ठीक है। तो इसको मैं सिंबल में ऐसे लिख दे रहा हूं, आई से जे मतलब आई से जे हम जा पा रहे हैं, या जे से आई जा पा रहे हैं। ओके, तो बस वही जो आप समझ गए ना, आई से हम जे पे जा पा रहे हैं, या आई का जे से कॉन्टेक्ट है, या जैसे भी आप समझे, तो हम बोलेंगे आई जे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, इसको अगर लैंग्वेज में देखें तो हम क्या कैसे बोलेंगे, टू स्टेट कुछ आई जे ले लीजिए, तो टू स्टेट आई एन जे आर आर सेड टू बी क्या, कम्युनिकेटिंग, टू स्टेट्स आई एंड जे आर सेड टू बी कम्युनिकेटिंग इफ, ये इंपॉर्टेंट है क्या, इफ आई से हम लोग जे पे जा पा रहे हैं एंड जे से आई पे जा पा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, हम लोग पढ़े थे एसेसिबिलिटी पढ़े थे, मतलब आई से जे पे जा पा रहे हैं तो बोलेंगे जे जो है आई से एसेसिबल है। ओके, तो इस दोनों को हम लोग अगर एक साथ लिखे तो आई से हम जे पे जा रहे हैं और जे से आई पे जा रहे हैं, मतलब इसको इस टाइप से, मतलब आई से जे एसेसिबल है और जे से आई। ओके, तो अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले, जो हम लोग एसेसिबिलिटी पढ़े थे उसके लैंग्वेज में बोले, तो क्या बोलेंगे, आई इज कम्युनिकेटिंग विथ जे, ठीक है, आर ऐसे लिखते हैं, आर कम्युनिकेटिंग क्या, इफ एंड ओनली। तो वहां पे हमने लगाते हैं दोनों तरफ से कंडीशन हो गया ना, थोड़ा देर पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि देयर एग्जिस्ट के था सच दैट, देयर एग्जिस्ट के था सच दैट फॉर दैट पार्टिकुलर के द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम गोइंग आई टू जे इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, चल क्यों नहीं रहा है। ओके, ये आपने देखा था थोड़ा देर पहले कि एक के ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था जिसके लिए हम आई से जे पे चल जा रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गए, आई से जे और जे से आई, हम दोनों पे जा रहे हैं, तो दोनों के लिए कंडीशन लगाते हैं। तो इफ देयर एग्जिस्ट, ओके, इफ एंड वन लिव देयर एग्जिस्ट, मान लो कुछ के वन एंड के टू क्या पॉजिटिव, ठीक है, सच दैट अब वही वाला कंडीशन लगा दिए, पी आई से जे कुछ के वन स्टेट में जाएंगे तो ग्रेटर देन जीरो होगा एंड, अब यहाँ पे दो हो गया ना, तो पी आई से जे हो गया, जे से आई ले लीजिए, इसको कुछ के टू ले लीजिए ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए डिफिनेशन भी कितना आसान है। अच्छा, एक चीज और आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, अगर ऐसे हम लोग स्टेट लिख रहे थे, ये कुछ वन था
ये कुछ टू था और थ्री था, इस टाइप से हम लोग बोल रहे थे। ओके, तो अगर कोई लूप होगा, लूप कैसे हो रहा था हमारा, इस टाइप से हो रहा था, अगर कोई लूप होगा तो उसमें हम कितने स्टेट में चले जाएंगे, सॉरी कितने स्टेप में चले जाएंगे, एक ही स्टेप में चले जाएंगे, मिनिमम तो एक ही हो जाएगा ना। ओके, तो यहां से अगर हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन इक्वल टू जी, ये मान लीजिए कहां से एक्शन इक्वल टू आई से, मतलब कुछ मान लीजिए जीरो स्टेप, यहाँ पे क्या जीरो स्टेप ही होगा ना। ओके, तो जीरो स्टेप में आई से जे जा पा रहे हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन होगा, कब, अगर ए आई इक्वल टू जे हो रहा है, ठीक है। मतलब देखिए एक कितना जीरो स्टेप लिया ना, मतलब एक भी स्टेप चला ही नहीं, तो कोई पॉइंट क्या होगा, खुद पे खड़ा है तो उस पर कम्युनिकेट करने, जैसे मान लो आप इस पॉइंट पे हो तो इसमें तो जीरो स्टेप तो इसी पे हो ना, अब वन स्टेप के लिए क्या होगा, आपके पास लूप होगा, ठीक है। अब जीरो स्टेप मतलब आप इस पॉइंट से मूव ही नहीं किए, तो इसका मतलब होगा कि जीरो स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे ही रह सकते हैं, कहीं किसी पॉइंट पे नहीं जा सकते ना, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आई जे इक्वल नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक भी स्टेप हुआ तो ये देखो एक कुछ होगा तो कुछ ना कुछ इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग 1/2, 1/3 ऐसे कुछ लिख रहे थे ना, तो वो चीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, और एक चीज और ध्यान रखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी स्टेट पे एम स्टेप में जा रहे हैं तो एम स्टेप में ही वापस आ जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे इसी एग्जाम्पल में ले लीजिए, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, हम लोग मान लो स्टेप से पाथ बना दिया, इसको ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे ले लीजिए। ओके, तो वन से थ्री जाने के, वन से थ्री जाने के कितने तरीके हैं, कितने पाथ हैं, देखो वन से इधर आ गए, एक पाथ हो गया और एक इधर से हो गया, इसका थ्री स्टेप हो गया, इधर से वन स्टेप हो गया, बट थ्री से वन आने के लिए कौन सा एक भी मार्ग नहीं है, देखो थ्री से इधर से भी नहीं जा सकते, थ्री से इधर से भी नहीं जा सकते, तो वन से थ्री जाने का कितना, वन एंड टू मार्ग है, एक तो वन से थ्री जाना और एक भाया टू जाओ, बट अगर थ्री से वन आना हो तो हमारे पास कोई भी स्टेप नहीं है। यही चीज मैं बता रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि दो स्टेट आपके पास हैं तो उन दोनों के बीच में हमेशा एक पाथ एग्जिस्ट करेगा ही। ओके, पाथ मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, चेन। ओके, इसी ये जो कड़ी है ना इसी को हम लोग चेन बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं समझा दूं थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के स्टाइल में, वहां पे हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस रिकॉल करिए क्या था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और क्या था, ट्रांजिटिव था, तो वही चीज यहाँ पे भी हो जाता है। तो जो एक कम्युनिकेटिंग हम पढ़ रहे हैं ना, तो कम्युनिकेटिंग क्लास से आपके एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, कम्युनिकेटिंग को मान लो कुछ मैंने सी नाम दे दिया है, ठीक है, समझने के लिए, तो कम्युनिकेटिंग क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनाएगा, जब ये तीनों चीज हो, मतलब आई से आई स्टेट रिलेटेड हो, फिर अगर आई से हम लोग जे पे जा पा रहे हैं तो जे से आई पे आ पा रहे हैं, अगर ये दोनों हो रहा तो सिमेट्रिक बोलेंगे, ट्रांजिटिव के लिए अगर आई से हम लोग जे पे जा पा रहे हैं एंड जे से कुछ के पे जा पा रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आई से के जाना चाहिए, अगर ये इस टाइप से हो रहा है तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है, और तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि एक कम्युनिकेटिंग क्लास जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो इसमें इतना है, अब कम्युनिकेटिंग समझ गए तो इससे पहले कि ज्यादा बोरिंग आपको लगे मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। 2017 नेट का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो मार्को चेन दिया हुआ है 5 स्टेट स्पेस, ठीक है, कहीं कहीं जीरो से शुरू करता है, जीरो से क्या होता है ना, हमें कंफ्यूज करने के लिए, अब मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये जो आई से जे था ना, याद रखने का ध्यान रखिएगा, पी आई से जे एन स्टेप में था ना, ये हमारा क्या हो रहा था, पाई जे हो रहा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप ये जीरो से ले रहे हैं ना तो उस टाइम में क्या हो जा रहा, पाई थ्री हो जा रहा था, इसका मतलब जब वन से लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई फोर हो जाएगा ना, तो ये चीज उस टाइम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं कि वन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा ना। ओके, जब इस स्टेप एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है तो उस क्वेश्चन में मैं इसको कोशिश करूंगा क्लियर कर दूं। इस क्वेश्चन का आप लोग क्विकली आंसर करिए, सबको आई थिंक पता चल ही गया होगा, तरीका क्या है, फटाफट ड्रॉ करिए ग्राफ और बना दीजिए। ओके, अच्छा ये सब नहीं पढ़ाया ना कम्युनिकेटिंग क्लास। ओके ओके ओके, रुक जाइए, तो थोड़ा सा थ्योरी आपको और बता देता हूँ, ठीक है, सेम कम्युनिकेटिंग क्लास। ओके, मैं इस चीज को भूल गया था बताना, कम्युनिकेटिंग क्लास,
तो कम्युनिकेटिंग क्लास क्या होता है? बहुत सिंपल है। मैंने कम्युनिकेटिंग क्लास क्या नाम दिया था उस टाइम? सी नाम दिया था। ओके, कम्युनिकेटिंग क्लास क्या होता है? एक स्टेट का होता है। जैसे मैंने स्टेट लिया था 1 2 3। ओके, तो हम लोग कम्युनिकेटिंग कैसे देख रहे थे? अगर 1 से 3 पे पाथ मिल गया तो बोलेंगे 1 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। नहीं, अभी नहीं बोलेंगे। अभी एक चीज और, क्या जब 1 से 3 और 3 से 1 दोनों पाथ मिल जाए, मतलब अगर आप आई से जे जा रहे हैं थे, तो इसको हम लोग एसेसिबल बोल रहे थे कि आई से जे एसेसिबल है। उसी तरह अगर आप जे से भी आई जा रहे हैं, तो इस केस में इस दोनों को मिला के जो हमारा बन रहा था आई से जे और जे से आई, जिसको हम लोग बोल रहे थे कम्युनिकेटिंग क्लास। यही बोल रहे थे ना कि हमारा ये क्या है, कम्युनिकेटिंग क्लास बनाएगा। ओके, तो हम यहाँ कम्युनिकेटिंग क्लास किसका देख रहे हैं? आई का। अच्छा, यहाँ से एक चीज आप और कॉमन सेंस लगा पा रहे होंगे कि अगर हम आई से जे जा पा रहे हैं तो कम्युनिकेटिंग क्लास जो आई का होगा वही कम्युनिकेटिंग क्लास जे का होगा। क्लियर? अगर आई का कम्युनिकेटिंग क्लास समथिंग होता है तो वही कम्युनिकेटिंग क्लास जे का भी होगा। ओके, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए, हम एक से ज्यादा एलिमेंट का एक बार में कम्युनिकेटिंग क्लास निकाल सकते हैं। लिखता कुछ हूं और लिखाता कुछ और है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ आई एंड जे इक्वल टू इक्वल, क्योंकि इन दिस केस। ओके, अब इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं, शायद आपको लैंग्वेज में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप इजीली आंसर बता सकते हैं। कम्युनिकेटिंग क्लास ऑफ आई, ये डिफाइन कैसे है? इसमें ए एक सेट होता है, इसमें एस, एस क्या था? स्टेट स्पेस था। इसके वो सारे एलिमेंट आते हैं सच देट जो आई से क्या हो, एसेसिबल हो जे, एंड जे से एसेसिबल आई। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग आई से जे जा पा रहे हैं एंड जे से आई जा पा रहे हैं। तो इस टाइप के सारे आई का कलेक्शन बना लेना है। अच्छा, ये आई था ना, तो इसको जे मान लीजिए, मतलब ये आई था तो जे ले लीजिए। इस टाइप से उन सारे जे का कलेक्शन सच देट आई और जे के बीच में आने और जाने दोनों का पाथ मिल जाए। जैसे आप इस ग्राफ में देखिए, जो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हुए थे, ये देखिए मैंने ले लिया इस टाइप से। तो यहां पे देखिए, पाला आप उठाइए C1, इसमें क्या आएगा? सब तो खुद से एसेसिबल है, 1 से 1 पर तो चले ही जाएंगे, तो इसमें वो एलिमेंट तो आ ही जाएगा। ठीक है, और कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या हम 1 से 2 पे भी जा सकते? नहीं जा सकते ना, तो 2 इसमें नहीं आएगा। ओके, तो अब फिर अब देखिए यहां से एक चीज और आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, आप आई से जे जा रहे हैं और जे से आई जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। तो C(1) = C(3) एक तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास 2 बचा, और C(2) के में कौन सा आएगा? सिर्फ 2 ही आएगा, और तो कोई नहीं आएगा ना। ठीक है, दैट इज, इसको अगर हम लैंग्वेज में कहें, यही है आपका कम्युनिकेटिंग क्लास, खत्म हो गया। तो ये आपका क्या वाला था, सेट ऑफ उन सारे स्टेट्स का कलेक्शन हो रहा था जो क्या कर रहे थे, शायद के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। तो सेट ऑफ ऑल स्टेट्स दैट, ये लिख ही नहीं रहा है सही, दैट कम्युनिकेट विथ आई था ना, आई आई के साथ करें। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें कह रहा है आर इन सेम कम्युनिकेटिंग क्लास, तो जो हमने निकाला था ना, तो जैसे देखिए इस केस में हम क्या बोलेंगे, थोड़ा देर पहले यहाँ पे C1 में मैंने क्या लिखा था, 1 और 3 लिखा था ना, तो मैं इसमें हम बोलेंगे 1 और 3 सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में है। ठीक है, या फिर C1 = C3 दिया है तो भी आप बोलेंगे कि ये दोनों सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में है। ओके, आप क्वेश्चन में करते हैं, कम्युनिकेटिंग क्लास का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, यहाँ पे डायग्राम आप फटाफट बना लीजिए। ठीक है, अब मैं तो ऐसा है, मतलब मेरा हाथ इतना बैठ गया कि मैं तो बिना डायग्राम बनाए ही कर सकता। देखो, 1 से 3 आई आई से जे जाने का क्या, आप कैसे देखोगे? अगर आई से जे जा रहे हो तो मतलब अगर इस एलिमेंट को हम लोग पी आई जे नाम दे रहे थे, तो पी आई जे भी कुछ एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0, और आपको पी आई जे एंड पी जे आई दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही देखेंगे ना। अच्छा, आपका यही होगा आंसर। ओके, बाकी लोग भी क्विकली आंसर करने की कोशिश करिए। आपने ग्राफ बनाया है मेरी तरह, इस तरह से मैट्रिक्स में देख के किया? हाँ, क्योंकि आप यही चीज देखे होंगे या कुछ और देखे? हाँ, बस
आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड अच्छा 5 है ना, 5। ओके, कम्युनिकेटिंग क्लास के लिए हमें देखना है आई से जे पे चले जाए हम लोग और जे से आई पे। पहला एलिमेंट उठाया मैंने 1/2, ये किसका है 1। अब 1 से हम कहां जा रहे हैं 1 पे, तो इसका डायगोनल एलिमेंट का मैंने मतलब बताया लूप है, आप लूप छोड़ दीजिए। 1 से अब किस पे जा रहे हैं नेक्स्ट, ये दोनों 0 है तो नहीं जा रहे, अब इसका मतलब अब 1 से 4 जा रहे हैं। ओके, 1 से आप 4 गए, अब देखिएगा 4 से 1 जा रहे हैं, तो 4 से 1 है हाँ हम जा रहे हैं, नॉन जीरो मतलब हम जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम कम्युनिकेटिंग क्लास हो गया। तो पहला गया दूसरा 2, अब नेक्स्ट आते हैं 4 और 2 में रिलेशन है। ओके, तो 4 का देख लेते हैं एक बार, 4 से और हम किस में जा रहे हैं, एक तो 4 से 1 में जा रहे थे हम लोग और 4 से 4 में जा रहे थे, इसके तो लूप है इसका मतलब है नहीं, और 4 से 1 में जा रहे हैं, तो ये भी खत्म काम आपका। नेक्स्ट आएगा 2 और 5 में देखते हैं, 2 में क्या था, 2 से हम किस पे जा रहे हैं 2 पे, ये लूप हो गया, और 2 से किस पे जा रहे हैं 5 पे। अब 5 से देखिए क्या 2 पे जा रहे हैं, 5 से 2 पे जा रहे हैं, नॉन जीरो मिल गया, यस डायरेक्टली डन, बिना कैलकुलेशन किए ही, बिना ग्राफ है, बिना मिनट के। अभी देखिए 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इजीली मार्क्स के लिखिए ना, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को करने में। ओके, तो आई होप सबको क्लियर होगा ये चीज, क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, ये देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली मैं, ये 2019 दिसंबर जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्शन दिया विद द स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद द चेन इतना जितना एंड ट्रांजिशन वेरी दिस एज्यूम दैट इतना देन एक्सपेक्टेड रिटर्न टू द जीरो। अब थोड़ा सा हो गया टेक्निकल, ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, तो इसमें घबराना नहीं है। इस पीआईजे का मतलब क्या था कि आई से कितना यहाँ एन था, इसका मतलब था कि हम एन स्टेप में आई से जे जा रहे थे। देखिए assuming that x0 is equal to 0 and expected return to the 0, मतलब mean, आपने mean variance पढ़ा है कुछ ऐसे, हम लोग expectation निकालते थे किसी distribution का। okay, तो यहाँ पे होता है ना ये जो आपका मतलब कुछ x का ही मान लीजिए, तो अगर इस initial distribution के respect में बोले तो directly हमारा पाई जो भी आई जो है आई मान लीजिए जे मान लीजिए इस टाइप से होता था। तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कौन से आई का निकालना है किसका निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई इवेंट दिया हुआ जैसे तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बहुत सारे होंगे एक्स वन एक्स टू इस टाइप से, तो यहाँ पे जीरो से जीरो पे दिया हुआ मतलब हमें इसका निकालना है जीरो से इक्वल टू जीरो पे, और कहाँ जीरो से अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक बताया था ना इस टाइप का था कि इनिशियली हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और इक्वल टू क्या यहाँ पे सॉरी इतना स्टेप के साथ इनिशियल हमारा ए एजम्पशन था। ओके, ए मैंने लिखवाया था पी जीरो आई इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द चेन स्टार्ट एट द आईथ स्टेप, ठीक है, इनिशियली ये चीज करवाया था। इसको यहाँ से क्लियरली देखिए पी एक्स जीरो यहीं दिया आई इक्वल टू जीरो दे दिया इस क्वेश्चन में यही दिया ना, अब इसका तो ए प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला हुआ यहाँ पे, तो इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द चेन स्टार्ट एट द आईथ स्टेट इनिशियली। ओके, बाकी इधर ये सब कुछ बताया था, तो काम आपका यहां से वही है। ओके, दैट इज हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो यहां से आपका एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली हो जाएगा आपका ये जो वैल्यू 1/πj निकालना है, तो डायरेक्टली आप πj निकालिए किस मेथड से, पाई इक्वल टू पाई पी एंड समेशन पाई इक्वल टू 1, इस दोनों के हेल्प से हमारा काम बन जाएगा, ए निकल जाएगा, इसके बाद इसका रेशियो ले लेना। अब जीरो से जीरो पे जा रहे हैं मतलब हमें पाई जीरो का रेशियो लेना होगा, ठीक है, हो जाएगा आपका पाई जीरो। तो देखो मैं बोला कि देखो इस टाइप कुछ याद रख लेना है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपना क्या नुकसान है, ठीक है, तो पाई निकालते हैं 1/2, 1/2, 1/3, 2/3 था, बाकी लोगों का आंसर आया पाई जीरो हो जाएगा 1/2 πj + 1/3 π1, अब उसी तरह हो जाएगा पाई वन हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 πj + 1/2 π1, ठीक है, इस दोनों का आप सोल्व कर दोगे आपका पाई जीरो आ जाएगा कुछ ना कुछ और पाई वन कुछ ना कुछ आएगा। पाई जीरो कितना, 2/5 आया क्या,
तो 2 बाई 5 आया, तो 1 बाई पाई जो हमें निकालना है, तो 1 बाई 2 बाई 5, 5 बाई 2। ठीक है, अभी आपको सोल्व करके देखना है, ये आपका होमवर्क है, इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो कुछ क्वेश्चन ना मैं फटाफट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग एफोर्ट डाल के इसे मार्क्स, इससे मैंने बोला था मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब ऑन एवरेज 1 और 2 क्वेश्चन पूछता है। 19 दिसंबर का है ना, 19 जून में भी 2 क्वेश्चन पूछा था, 19 जून एक एक क्वेश्चन अभी हमने देखा था, इसमें था ना पार्ट सी में भी एक क्वेश्चन था शायद। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 106 करिए, क्विकली आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 106 जो हमने पढ़ा था वही वाला है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। ओके, मैं साथ में हिंट देते जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्या बोला था, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी और इस टाइप का हो तो डायरेक्टली यहां से मतलब मुझे पाई टू कैलकुलेट करना है। अच्छा, जीरो से आ रहा है याद रखिएगा, ठीक है, नहीं कि वो 1 2 3 ले लीजिएगा आप, यहाँ पाई टू कैलकुलेट करना है। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई टू इक्वल टू पाई वन हो जाएगा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका पाई टू का वैल्यू कुछ इतना होगा, और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई वन का वैल्यू कुछ इतना होगा। ठीक है, तो देखो पाई के टर्म में हमने आंसर ला दिया, अब यहां से हम क्या एज्यूम कर लेंगे, पाई मान लीजिए आपका पाई जीरो, पाई वन और पाई टू है। ओके, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था, तीनों का सम क्या होगा, वन होगा, तो पाई जीरो प्लस पाई वन प्लस पाई टू क्या होगा, वन हो जाएगा। एक काम तो ये हो गया, अब क्या करिए इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिए, पाई इक्वल टू पाई पी, और पाई पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/4 पाई जीरो, 1/4 पाई वन, और 1/2 पाई टू, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू पाई जीरो। फिर नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, 5/8 टाइम्स पाई जीरो प्लस, ये बीच में जीरो है, प्लस हो जाएगा 3/8 टाइम्स पाई टू इक्वल टू हो जाएगा पाई वन। एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट में लेंगे तो हो जाएगा 1/8 पाई, 1/8 पाई जीरो प्लस 3/4 पाई वन प्लस 1/8 और इक्वल टू हो जाएगा पाई टू। ओके, तो अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गया, क्विकली आप लोग सोल्व करने की कोशिश करिए, जो लोग साथ में कर रहे हैं वो साथ में करिए, जो लोग एडवांस में कर रहे हैं आप अपना कैलकुलेशन देखिए। इसमें देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 इसमें से कॉमन ले लिया, 1/4 और ये हो जाएगा पाई जीरो प्लस में पाई वन, ओके, प्लस में 1/2 पाई टू इक्वल टू क्या था, पाई जीरो। और इस इक्वेशन से देखिए पाई वन प्लस सॉरी पाई जीरो प्लस पाई वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - π/2 हो जाएगा, तो इसके जगह आप क्या रख दीजिए, 1 - π/2, 1/4 टाइम्स 1 - π/2 प्लस 1/2 π/2 इक्वल टू हो जाएगा पाई जीरो। अच्छा, 2 वेरिएबल बन गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, -1/4π/2 प्लस 1/2π/2, तो ये हो जाएगा 1/2π/2, ये होगा ना ऊपर नीचे 2 से, 1/4π/2 हो जाएगा, 1/4π/2 प्लस 1/4 इक्वल टू पाई जीरो। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना होगा ना, देखिए ये आप लोग का होमवर्क है, पाई जीरो निकालिए, पाई वन निकालिए, पाई टू निकालिए, ठीक है, इसके बेस पे तो क्वेश्चन में आपको बस पाई जीरो पाई वन पाई टू तीनों कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे उसके बेस पे देख के बताना है क्या होगा। तो कोई एक क्विकली आंसर बता दीजिए मुझे, ऑप्शन 2 और 4। ओके, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कोई बस लीनियर अलजेब्रा की तरह आपने सोल्व कर दिया इसको, स्टेटिक्स का कुछ एस भी नहीं लगाना है, बस एक दो प्रॉपर्टी जानना था। सरोजनी तुम ये बताओ तीनों वैल्यू क्या क्या है आपके, तीनों का सम 1 आ रहा है मतलब सही हो सकता है। ओके, तो ये 0 नहीं होगा, ये दोनों बराबर है, सही बात, 1/8 नहीं होगा,
हाँ तो यहां से अगर ए आपका आंसर आया है तो आंसर सही है। बाकी लोग देखें आपका इतना आ रहा है क्या? ओके, मैंने तरीका बता दिया था, एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। पाई इक्वल टू पाई पी को सोल्व करना है और दूसरा समेशन ऑफ पाई आई इक्वल टू वन, इस दोनों की हेल्प से आपके सारे पी पाई आई के वैल्यू निकल जाएंगे। ठीक है देखिए कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी भी होंगे मार्क चेन में, तो ये नहीं मान के चलना है कि आपने इतना पढ़ लिया तो आपसे सब बनना ही चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने दो फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।